हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए स्टैटिक्स के अंतर्गत कोरिलेशन टॉपिक के अंतर्गत हम बात कर रहे थे और कोरिलेशन के बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया था। उसकी अलग अलग विधियाँ जैसे कि कालप्रिएशन की विधि है, स्पीयरमैन की विधि है, उनके बारे में बात कर चुका था। आज इस वीडियो में बात करूंगा संगामी विचलन विधि के बारे में कि संगामी विचलन रीति या विधि जो है क्या कहती है और इस विधि में हम किस प्रकार से सहसंबंध निकाल सकते हैं। तो यह विधि सबसे सरल है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि सबसे सरल विधि, सहसंबंध निकालने की सबसे सरल विधि अगर कही जाए तो वह यह है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे सरल विधि है क्या है? सबसे सरल विधि है, ये बात आप याद रखेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, उसी टाइप जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई और इनका साइन लेंगे हम, तो एक्स का साइन और इधर वाई का साइन और इधर आप लोगों के एक्स साइन इंटू वाई का साइन, ठीक है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए x मान लीजिए आपके है दोस्तों 10, 15, 20, 5, 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ मान लीजिए है 13, 16, 12, 17, 19, 50, ठीक है। अब देखो साइन का मतलब क्या है, जो मैंने आपके सामने लाइन लिखी है ना कि x का साइन, ये x साइन का मतलब है। पहले तो आप यहाँ लिखेंगे दोनों ही लाइनों में नील, यहाँ भी नील और यहाँ भी नील, यानी हमें कोई यहाँ पर साइन नहीं लेना। अब सेकंड साइन से स्टार्ट होगा। 10 से क्या हुआ है दोस्तों 15, तो क्या हुआ इसमें 5 प्लस हुए है ना, तो यहाँ लिख दो प्लस। 15 से कितने हुए 20, कितने 5 प्लस हुए है ना, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस। 20 से 5 हो गए माइनस हुए ना 15, तो यहाँ लिख दो माइनस। 5 से 7 हुए प्लस 2 हुए है ना, तो प्लस। और 7 से 8 हो गए तो प्लस हुए है ना, तो प्लस, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आगे वाली संख्या बड़ी है तो आप क्या लिखोगे प्लस, और अगर आगे वाली संख्या छोटी हो तो माइनस, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ y के लिए, तो 13 से क्या हो रहा है 16, तो प्लस हो रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे प्लस। 16 से क्या हो रहा है 12, तो क्या कर देंगे माइनस। 12 से 17 क्या हो रहा है प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस। 17 से 19 क्या हो रहा है प्लस, तो क्या लिखोगे प्लस। और 19 से 50 क्या हो रहा है प्लस, तो क्या लिखोगे प्लस, ठीक है। फिर देखिए एक बात, आप लोगों ने जो मैथ के स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ रखा होगा कि इन साइनों का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो कौन से साइन कैसे निकलते हैं। मैं यहाँ आप लोगों के लिए अलग से लिख रहा हूँ। देखिए जब आप प्लस मल्टीप्लाई करोगे प्लस, तो क्या आएगा प्लस आएगा। माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, तब भी क्या आएगा प्लस। प्लस मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, तब भी क्या आएगा माइनस। और माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस से, तब आएगा माइनस। और बराबर मल्टीप्लाई करोगे बराबर से, तो आएगा आपके बराबर ही, ठीक है। ये बराबर वाला क्या काम है, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल में मैं समझाऊंगा। क्या होता है कभी कभी संख्या सेम आ जाए तब, और अगर बराबर का मल्टीप्लाई हो जाए प्लस या माइनस किसी से भी, तब क्या आता है दोस्तों आप लोगों के, तो तब आ जाता है माइनस। और एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ है, यहाँ प्लस लिखना था, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो देखो प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आएगा, माइनस प्लस का माइनस आएगा, बराबर इंटू बराबर का प्लस आएगा, और बराबर इंटू प्लस माइनस का माइनस आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब यहाँ करिए मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू प्लस कितना आएगा प्लस ही आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस, प्लस इंटू प्लस क्या आएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या आएगा प्लस। अब क्या करना है कि यहां पर आपको जोड़ना है किसको,
प्लस साइन कितने हैं उनको, तो देखो ये एक, ये दो, ये तीन, तो आप लिखोगे C बराबर तीन। कितना लिखोगे? C बराबर तीन लिखोगे। ये बात आपको याद रखनी है कि जितने प्लस के साइन है ना उन्हें आप C से रिप्रेजेंट करते हो। इस C का आगे उपयोग करना मैं अभी बताऊंगा, C कहां लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आप क्या करोगे, स्मॉल n बराबर में लिखोगे कितने टोटल साइन है, तो देखो एक दो तीन चार पांच है ना, पांच, तो यहां लिख दोगे पांच, ठीक है। तो अब देखो n और c दो चीजें मैंने बताई आपको। अब मैं बताता हूं कि जो आपका संगामी विचलन रीति है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है, ये क्या कहता है। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि आर सी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस ब्रैकेट बंद टू सी माइनस एन अपॉन में एन और ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। इस फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या काम आएगी, सब कुछ मैं बता चुका हूं आप लोगों को। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। अब देखो प्लस माइनस कब क्या करना है मैं बता रहा हूं, पहले आप सिर्फ सॉल्व करिए। प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस ब्रैकेट बंद टू इंटू सी की वैल्यू कितनी है तीन, माइनस एन की वैल्यू कितनी है पांच, अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है पांच, ब्रैकेट बंद। इसको करेंगे सॉल्व, तो प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस एज इट इज, और दो तीन छः, छः में से पांच गए तो एक, एक बटे पांच, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, अब अंदर साइन पे डिपेंड करेगा। देखो अंदर वन बाय फाइव क्या है, प्लस का है ना, तो अंदर वाला साइन भी हो जाएगा प्लस का, और बार वाला साइन जो है वह भी हो जाएगा प्लस का। तो ये जो माइनस मैंने लिखा ना इसको हटा दो बस, समझ गए। तो क्या हो गया, ये अंडर रूट में 0.20 और इसकी वैल्यू जो भी आएगी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको इसी प्रकार से दे दिया जाएगा, वरना कैलकुलेटर अलाउ होता है वहां पे, ठीक है। तो पॉइंट अंडर रूट 0.20 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये था पूरा मेथड और ये था आपका फॉर्मूला। मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाया कि हमें क्या करना होता है। मैं वापस से समझाता हूँ कि हमें करना क्या है। देखो संगामी विचलन विधि पढ़ रहे हैं, ये सबसे सरल विधि है, एक तो ये याद रखना है। अब देखो भाई x और y दो श्रेणियां दे रखी होती है, जैसे जनरल दे रखी होती है, हर क्वेश्चन में दे दी आपको। आपको क्या करना है, उनके साइन लिखने हैं, केवल और केवल क्या लिखना है, साइन। और साइन कैसे डिपेंड करेगा, तो प्लस कब होगा, जब आगे वाली संख्या बड़ी हो, और माइनस कब होगा, जब पीछे वाली संख्या छोटी हो, तब हम क्या यूज करेंगे, माइनस। तो 10 से 15 हुआ था तो हमने क्या ले लिया था दोस्तों, 10 से 15 होने पर प्लस, 15 से 20 होने पर प्लस, 20 से 5 होने पर माइनस, 5 से 7 होने पर प्लस, और 7 से 8 होने पर प्लस। इसी प्रकार से 13 से 16 होने पर प्लस, 16 से 12 होने पर माइनस, 12 से 17 होने पर प्लस, 17 से 19 होने पर प्लस, और 19 से 50 होने पर भी प्लस। फिर मैंने आप लोगों को ये मेथड बता दिया है कि भाई कब क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट कब कौन सा निकलेगा, माइनस कब आएगा, प्लस साइन कब निकलेगा प्रोडक्ट में। तो जब आप प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस आएगा, बराबर इंटू बराबर करोगे तो प्लस आएगा, बराबर इंटू प्लस माइनस में से कोई एक साइन से करोगे तब हमारे माइनस आएगा। ये चेयर रूल जिसको याद है उसके लिए ये पूरा क्वेश्चन ही ईजी हो जाता है। फिर सी देखना है, तो सी क्या होता है, जितने प्रोडक्ट में प्लस साइन है ना उनको ही सी कहा जाता है। प्रोडक्ट करने के बाद में देखो एक प्लस का साइन आया था, ये दूसरा प्लस का साइन और ये तीसरा प्लस का साइन, तो तीन सी की वैल्यू हो गई। और फिर आपको क्या करना है, स्मॉल एन की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल एन की वैल्यू देखो, वैसे तो जनरली क्या होता है दोस्तों आपके, कि जो ये है ना आपके टोटल कितने दे रखे हैं ऑब्जर्वेशन एन बराबर छः, इन ऑब्जर्वेशन में से डायरेक्ट एक माइनस कर दीजिए आपके स्मॉल एन निकल जाता है। और वैसे डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो कितने साइन है, तो देखो एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच साइन थे पाँच, ठीक है। तो स्मॉल एन की वैल्यू निकाली, कैपिटल सी की वैल्यू निकाली, और फिर जो फॉर्मूला दिया है आर सी बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट
प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन में n। यहां पर अब ये जो प्लस माइनस और ये प्लस माइनस है, ये दोनों सेम सेम साइन लिए जाते हैं, एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज, जो ये प्रोडक्ट है ना अंदर वाला 2c माइनस n अपॉन में n, ये अगर प्लस है तो ये भी आगे वाला प्लस और ये आगे वाला भी प्लस, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्यों? क्योंकि अंदर बाहर वाला ये अंदर वाला माइनस हो गया तो अंडर रूट में माइनस आते क्या बन जाता है, इमेजिनरी संख्या बन जाती है, काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो उस काल्पनिक संख्या को रियल संख्या में, वास्तविक संख्या में बदलने के लिए अंदर वाला साइन माइनस कर दिया जाता है, ताकि माइनस इंटू माइनस करने पर क्या मिले हमें, प्लस मिले और फिर ये प्लस हो जाए क्वांटिटी। लेकिन फिर आंसर जब दोगे तो माइनस में ही दोगे, आगे तो फिर आगे माइनस होगा क्योंकि बाहर और अंदर दोनों तरफ साइन सेम होंगे। ठीक है, मैं इसका भी एग्जाम्पल करवाऊंगा, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब सब कुछ समझ में आ चुका होगा क्या करना है और किस टाइप का फॉर्मूला दे रखा होगा। ठीक है, तो ये हमने एक प्लस वाला करा, अब मैं एक माइनस वाला करवाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ये है एक्स और इधर लिखिए आप वाई। एक्स की वैल्यू है 112, 125, 126, 118, 118, 121, ठीक है, और वाई की वैल्यू है 106, 102, 102, 104, 98 और 96, ये हमने ले ली। ठीक है, अब देखो x का साइन मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ और y का साइन और फिर एक्स एस मल्टीप्लाई बाय वाई एस। ठीक है, तो देखिए 112 से 125 क्या हुआ है, प्लस। तो पहले तो लिखो नील, नील और यहां भी नील। क्यों? क्योंकि भाई देखो अभी 112 आया ना, उसके लिए क्या साइन यूज करूं, अभी 112 कितने से चेंज हुआ ये नहीं पता ना, इसलिए नील नील नील। अब सेकंड पे क्या आ जाएगा, प्लस। फिर 125 से क्या हुआ, 126 क्या हो जाएगा, प्लस। 126 से 118 माइनस, 118 से 118 बराबर, और 118 से 121 प्लस, 106 से 102 माइनस, तो ये हो गया माइनस, 102 से 102 तो बराबर, 102 से 104 तो प्लस, 104 से 98 तो माइनस, और 98 से 96 तो माइनस। अब प्रोडक्ट करो तो देखो प्लस माइनस माइनस, पीछे बता चुका हूं, प्लस इंटू बराबर, मैंने क्या बोला था बराबर के साथ बराबर हो तभी प्लस, बाकी तो हमेशा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस बराबर इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू माइनस भी माइनस। तो यहां पर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए आप लोग, यहां सी की वैल्यू क्या होगी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। तो दोस्तों C की वैल्यू यहां हो जाएगी आपके जीरो। क्यों? क्योंकि यहां एक भी प्लस का चिन्ह नहीं है। ठीक है, और स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो एक दो तीन चार पांच, तो n की वैल्यू कितनी आई, पांच। ठीक है, अब आर सी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू सी इंटू सॉरी इंटू कहा यहां पे 2c माइनस n अपॉन में n, ये होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 इंटू सी यानी कि 0 माइनस का 5 अपॉन में 5। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट, ये प्लस माइनस ही रहेगा, और 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और माइनस 5 अपॉन में 5 माइनस का 1। ठीक है, अब अगर ये माइनस है, देखो क्या है, ये माइनस है तो ये यहां पर भी आपको माइनस साइन लेना है और यहां पर भी आपको माइनस साइन ही लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस
अंडर रूट माइनस इनटू माइनस वन कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस का वन, और प्लस वन का रूट क्या होता है, प्लस वन ही, तो बाहर आएगा तो माइनस वन बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आर सी बराबर कितना आ गया दोस्तों, माइनस का वन। बात समझ में आई किस प्रकार से करना था क्वेश्चन? बहुत ही इजी, संगामी विचलन विधि बहुत ही इजी है। केवल ये पता चलना चाहिए आपको, छोटी कक्षा में जो सिखाया जाता है ना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये बात अगर पता चल गई ना तो आप समझ जाओगे कि इस विधि को कैसे यूज करना है। समझ में आ गया, ठीक है? तो भाई क्या करना है, साइन देखने हैं और साइन का मल्टीप्लीकेशन याद होना चाहिए, जो कि मैं पीछे बता चुका हूं कि साइन का मल्टीप्लीकेशन क्या है। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बता रहा हूं। यहां से जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे बस यहीं पर गलती करते हैं, एक सेकेंड बच्चे बस यहीं पर गलती करते हैं। ये अगर चीजें याद है तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है इस टाइप के क्वेश्चन गलत करना, क्योंकि गिनती तो आती है उसको। इसलिए मैं सोच सकता हूँ कि एक दो तीन ऐसे गिन लेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था, हमने सॉल्व करा, समझ में आ चुका होगा। अब देखो इस विधि के बारे में और क्या बातें याद रखनी है, तो इस विधि की कुछ परिसीमा यानी कि लिमिटेशंस है। जैसे कि सबसे पहली लिमिटेशन यही है कि इसमें क्या है कि चेंज बड़ा हो या चाहे छोटा हो, चिन्ह हमेशा प्लस माइनस के ही लगते हैं। जैसे देखो 126 से 118 हुआ, कितना कम हुआ बताओ? तो 126 से 118 हुआ यानी कि माइनस 8 हुआ है या नहीं? हुआ है। जबकि यहां कितना हुआ है, केवल प्लस 2 हुआ है, ठीक है? तो देखो माइनस 8 और प्लस 2 क्या बराबर अंतर है? माइनस 8 बहुत छोटा, बहुत बड़ा अंतर है वैसे भाई। 8 का अंतर होना बहुत बड़ा अंतर है और 2 का अंतर होना बहुत छोटा अंतर है उसके कंपेरिजन में, तो ठीक है 6 का डिफरेंस इन दोनों में ही। तो फिर भी मतलब कहने का यही है केवल, देखो मैं आगे समझा देता हूं, अभी समझ नहीं आएगा। देखो एक है भाई 100 से हो रहा है 102 और एक 100 से हो रहा है 500, बताओ क्या दोनों में अंतर सेम है? यहां तो अंतर है 400 का और यहां बढ़ोतरी हो रही है केवल बेचारे 2 की, तो भी क्या होगा, दोनों ही बार हमेशा हमें प्लस चिन्ह ही यूज करना है। तो ये थोड़ा सा एक ऑफर लगता है कि भाई बड़े अंतर के लिए भी वही चीज और छोटे अंतर के लिए भी वही चीज, ठीक है? और दूसरी चीज हम इससे क्या है कि एक सहसंबंध की उपस्थिति और अनुपस्थिति का एक इशारा मात्र समझ पाते हैं। फिक्स नहीं है कि ये जो है दोस्तों, मतलब कि क्या है, फिक्स मेथड में नहीं कह सकते क्योंकि ये प्लस माइनस के बेस पर है इसलिए, ठीक है? तो मतलब आंसर आपका सही आएगा, ये तो केवल लिमिटेशंस है, वैज्ञानिक जो देते हैं ना लिमिटेशन वो है। अब मैं आप लोगों को आज इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ कोरिलेशन को, फिर कल मैं जो है आपके सामने केवल और केवल एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ। तो दो मेथड और है, अन्य मेथडों के नाम से जाने जाते हैं। एक तो है न्यूनतम वर्ग रीति का सहसंबंध, आपको केवल नाम याद रखना है, न्यूनतम वर्ग रीति का सहसंबंध, ये भी एक मेथड है, ठीक है? और इस मेथड का यूज आपके बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा जो आप मेथड याद रखेंगे वो है आपके अंतर रीति द्वारा सह संबंध, ठीक है? सह संबंध माप, ये बात आपको याद रखनी है। तो एक तो है न्यूनतम वर्ग रीति का सह संबंध, ठीक है? और एक है आपका अंतर रीति का सह संबंध माप। और ये जो अंतर रीति का सहसंबंध माप है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है, वो भी आप याद रखना। हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, और क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर लोगे। अब तो ये मैंने सिखा दिया है इतना तो, ठीक है? स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है? ये है अंतर रीति द्वारा सहसंबंध माप निकालने का फॉर्मूला। और सिग्मा ऑफ एक्स बराबर होता क्या है, मैं बता चुका हूँ, अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन, यही फॉर्मूला होता है ना, और डी एक्स बराबर में होता है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है? तो ये चीज़ें आप यहाँ यूज करके ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बातें अब नहीं है। तो ये दो अन्य रीतियाँ थी, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हमने टोटल कितनी विधियाँ पढ़ ली है दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट विधियाँ पढ़ ली है, कार्ल प्रिएशन की विधि पढ़ ली है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, तो आपका
स्पीयरमैन की कोटि अंतरिति विधि पढ़ लिया, फिर हमने संगामी विचलन विधि पढ़ लिया, न्यूनतम वर्ग रीति का सहसंबंध होता है ये भी एक याद रखिएगा, चार और ये पांचवी विधि अंतरिति का सहसंबंध, और इसका मैंने फॉर्मूला भी आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों के इसमें किसी भी प्रकार का अब कोई डाउट नहीं होगा। कोरिलेशन टॉपिक इस प्रकार का यूट्यूब के ऊपर तो आप लोगों को जो है कोई नहीं बता सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन और होता है, क्या होता है कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, मुझे पता है मैंने भी देखी है यूट्यूब पे क्लासे कई टीचरों की, ठीक है, कोफिशियंट इतना पूरा डीपली आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें, कोफिशियंट ऑफ डिटरमिनेशन, और कोफिशियंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालने का फॉर्मूला है आर स्क्वायर, जो आर आता है ना उसका स्क्वायर कर दो, बस यही है, ठीक है। तो कोफिशियंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, बराबर में आर स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ ज्यादा भेजा मारी आपको नहीं याद रखनी है। इसी के साथ कोरिलेशन टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चंस भी मैंने आप मेरी ओर से पूरे करवाने की कोशिश करी। मैं एक वीडियो अब इसके ऊपर ऑनलाइन लाऊंगा, उसमें 15 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, कितने दोस्तों आपके 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरी बेस्ड होंगे, ठीक है, किस पे बेस्ड होंगे, थ्योरी बेस्ड होने वाले हैं, जिनका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी पूरा देते हुए समझाऊंगा और कुछ एक जो है इसमें दो चार क्वेश्चन और ऐड कर लूंगा जो कि आपके न्यूमेरिकल हो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर लूंगा और टोटल हो सकता है कि 20 क्वेश्चन करवा दूं, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को अब एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके बाद में कोरिलेशन टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। आप कमेंट करिएगा कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है। थैंक यू।